हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज का टॉपिक है हमारा लेंज लॉ। जैसा कि फैराडे भैया ने हमें कहा कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या कह सकते हैं एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन उस करंट की पोलैरिटी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, वो सब फैराडे भैया ने नहीं बताया। वो सब बताया हमें लेंस भैया ने। तो लेंस भैया ने क्या बताया, वो आज हम के आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेंस लॉ। दोस्तों, लेंस लॉ को समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं, जिससे आप अपने आप को रिलेट भी कर पाओगे। हम लोग मान लीजिए स्कूल के रिसेस के टाइम में आप लोग आराम से कहीं पर प्लेग्राउंड में या कहीं पर भी आराम से खड़े हुए हैं, या ऐसे कुछ भी लाइक दिस खड़े हुए, एंड सडनली कोई दोस्त पीछे से आ जाए और आपको एकदम से धक्का दे दे, पुश कर दे, तो क्या हो, आप ही खड़े हुए हैं, अचानक धक्का लगा, समथिंग दिस विल हैपन, विल यू लाइक इट। उस समय आपको सडनली किसी ने धक्का दे दिया तो क्या आपने वो पसंद करा, नहीं करेंगे। तो यहां पर एक सिंपल सी स्टेटमेंट मैं साथ में बोलूंगा, नो वन लाइक चेंजेस। भगवान ने सिस्टम इस तरीके से बनाया, नो वन लाइक चेंजेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग रात में सो रहे हैं मस्त एकदम, और अंधेरा है, और या फिर हम आराम से बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अंधेरे में अगर हम बैठे हैं एंड सडनली अगर आके कोई लाइट ऑन कर दे, क्या होता है, बंद करो यार, अरे बंद करो, क्या कर रहे हो, वी डोंट लाइक इट। नो वन लाइक चेंजेस, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, लेकिन किसी और की वजह से अगर हमें कुछ करना पड़े तो वो सडनली हम उस चेंज को पसंद नहीं करते। लेंस भैया ने भी ऐसा ही कुछ हमें बताया। तो दोस्तों, जो ये नौटंकी मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाई, वो किस लिए, मैं आपका ध्यान सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूं, जो है नो वन लाइक चेंजेस। क्या मतलब हुआ कि यार किसी को भी चेंज पसंद नहीं है। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि फैराडे ने कहा कि अगर किसी भी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो वो कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगी। अब वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, वो सब आज पता चलेगा लेंस लॉ से। तो लेंस भैया ने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, वो इस तरह से होगा कि वो अपने चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। अपने चेंज मतलब उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिस चेंज की वजह से वो पैदा हो रहा है वो उस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। जस्ट लाइक इनर्शिया, हम लोग बस में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं मस्त, बस सडनली टर्न ले ले अगर, तो हम लोग यूं होने लगते हैं, साधु लड़की बैठी तो मजा भी आ जाएगा, हम जानबूझ के भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर कुछ भी चेंज होगा तो उस चेंज को आप अपोज करने की कोशिश करेंगे, एंड सेम यहां पर वो आप कौन है, कॉइल। अगर उस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो वो कॉइल उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करना चाहेगी। अगर उस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा तो वो कॉइल उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने को अपोज करना चाहेगी। तो क्या है लेंस लॉ की स्टेटमेंट, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट एक ऐसा नामाकूल इंसान नहीं, एक ऐसी नामाकूल चीज है जो अपने ही पैदा करने वाले को अपोज करने वाली है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट The direction of induced current will be in such a way that it will try to oppose the change or the cause that produces it. जिस कॉज की वजह से वो पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, वो उस कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगी। जैसे कि मैंने कहा, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उस फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करना चाहेगी, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उस फ्लक्स के कम होने को अपोज करना चाहेगी। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, अब नौटंकी नहीं, अब साइंस के साथ देखते हैं कि क्या हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी किसी कॉइल में। आइए तो
तो मेरे दोस्तों मैंने यहां पर एक कॉइल बनाई है, एक मैग्नेट बनाया है। इस मैग्नेट को मैं कॉइल की तरफ लाने वाला हूं। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल ये रहा, तो मैं कह सकता हूं मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ला। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम नॉर्थ टू साउथ बनाते हैं, तो क्लियरली मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से कट कर रही है। तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस कॉइल के थ्रू इस तरफ है। अब जैसे मैं इस मैग्नेट को पास लाने लगूंगा तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली बढ़ने लगेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ने लगेगा तो ये कॉइल क्या चाहेगी, उस बढ़ने को अपोज करना। मतलब ये बढ़ा क्यों फ्लक्स, मैग्नेट के पास आने की वजह से। तो कॉइल चाहेगी कि मैग्नेट भैया ना 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 पास मत आओ, लेकिन ये क्या कहेगा, मैं तो आ रहा हूं। हाँ हा 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 हा, क्या होगा, ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस तरफ बढ़ रहा है इसको अपोज करना चाहेगी। तो इसको अपोज करने के लिए वो क्या करेगी, जो फ्लक्स बढ़ रहा है इस तरफ तो वो उसको अपोज करने के लिए उसको कम करना चाहेगी। मतलब वो चाहेगी कि अपने अंदर वो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर ले जो ठीक इसके अपोजिट हो, तभी तो इस बढ़ने को अपोज किया जा सकता है। तो अब मैं अपने राइट हैंड को यूज करूंगा, वो चाहता है इस तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए ताकि ये फ्लक्स का जो बढ़ रहा है इसको अपोज किया जा सके, इसे कम किया जा सके। तो अब देखो करंट मेरे पास किस तरफ से आ गया, मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज आ गया, और उस तरफ से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज आ गया। दैट मींस दिस करंट इज लाइक दिस, मेरी तरफ से या से देखने में यूं। पता लगा आपको क्या हुआ, जब कॉइल की तरफ मैग्नेट आने लगा तो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा, और कॉइल ने चाहा कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को अपोज कर सके, तो उसने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने की कोशिश करी, एंड इसलिए करंट इज लाइक दिस। तो मेरे पास क्लॉकवाइज इधर से और एंटी क्लॉकवाइज उधर से आ गया, और अगर उधर से एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो एज वी ऑल नो कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अगर मैं कॉइल को उधर से देख रहा हूं तो मुझे नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा हूं। ओके मैं इस चीज को डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको मैग्नेटिज्म बताऊंगा। ओके आगे दूसरा केस देखते हैं, नॉर्थ दूर जा रहा होगा तो क्या होगा। अब इस केस में मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास कम हो रहा होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है देखो फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये कॉइल चाहेगी कि भैया आ जाओ मेरे पास, आ जा फ्लक्स कम हो रहा है भैया, आ जा पास आ जा, इधर की तरफ कम हो रहा है, तो वो चाहेगी कि वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे कि इसी तरफ फ्लक्स हो। तो सोचो इसी तरफ फील्ड डेवलप करने के लिए वो कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगी, मेरी तरफ से देख रहा हूं तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और दूसरी तरफ से देखूंगा तो क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से देखूंगा क्लॉकवाइज का मतलब मुझे साउथ दिखाई देगा उस तरफ से। तो नॉर्थ अगर दूर जा रहा है तो वो साउथ पोल डेवलप कर लेगा। आइए देखते हैं अगर मैं साउथ पोल को पास ला रहा होता तो क्या होता। अब इस केस में क्या हो रहा होगा दोस्तों, कॉइल ये रही, मैं साउथ पोल को पास ला रहा हूं। नाउ दिस टाइम वी नो मैग्नेटिक फील्ड यूं घूम के यूं आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल अब इस डायरेक्शन में, मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है लेकिन फील्ड की डायरेक्शन ये रही कॉइल के थ्रू, तो इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, कॉइल क्या चाहेगी, अरे भैया बढ़ रहा है, वो ऐसी करंट को इंड्यूस करना चाहेगी कि ऐसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो मेरे पास क्या आया, इधर से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, उधर से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज, तो मतलब उधर से देखने वाले के लिए साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। देखते हैं अगले केस में क्या होगा अगर मैं साउथ को दूर लेके जा रहा होता। तो दोस्तों अगर साउथ पोल को मैं दूर लेके जा रहा होता, दूर लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा होगा कॉइल के थ्रू, अगेन कॉइल के थ्रू फील्ड की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ कम हो रहा है, कॉइल चाहिए ओए कम मत हो, वो बढ़ाना चाहेगी, उसी तरफ बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास करंट कुछ इस तरह का इंड्यूस हो जाएगा। मतलब मेरी तरफ से देख रहा हो तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल, तो अगर साउथ दूर जा रहा है तो कॉइल अपने इस तरफ नॉर्थ पोल जनरेट करना चाहेगी। सेम वही बात मेरे बच्चे, ध्यान से इन चारों केसेस को जरा सोचो। पहले केस में
नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो कॉइल में नॉर्थ पोल जनरेट हो गया था, नॉर्थ आ रहा था तो कॉइल चाह रही है कि यार नॉर्थ तू पास ना, तो वो पास ना आने के लिए उसे रिपेल करना चाहेगी, तो वो करंट ऐसा इंड्यूस कर रही है कि नॉर्थ आ गया। समझ रहे हो? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, जिस भी चेंज के कारण इंड्यूस्ड करंट आ रहा है वो उस चेंज को अपोज करना चाहेगा। नॉर्थ पास आ रहा है तो वो कहेगी कॉइल नॉर्थ तू पास क्यों आ रहा है, तो वो खुद नॉर्थ बनना चाहेगी ताकि उसे रिपेल कर सके। अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो कॉइल कहेगी दूर मत जा, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे पास आओ, तो मेरे को साउथ बनना पड़ेगा तभी तो मैं नॉर्थ को अट्रैक्ट कर पाऊंगा, तो साउथ पोल बनना चाहिए। अगर साउथ पास आ रहा है तो वो कहेगी मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुमको जला दूंगी, तो वो साउथ बनना चाहेगी। ओके? और अगर साउथ दूर जा रहा है तो वो उसको करीब लाना चाहेगी, तो वो नॉर्थ बनेगी। तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे सवाल डिस्कस करूंगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को टैकल करने की, डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। आज मैंने आपको एक फील दिलाने की कोशिश करी है कि लेंज लॉ कह क्या रहा है। सिंपल सी एक बात कह रहा है, जिस चेंज की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है या पैदा हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है वो करंट, वो जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो उस कॉज को अपोज करना चाहेगी। सिंपल सी स्टेटमेंट, जिस चेंज की वजह से वो पैदा हो रहा है वो उस चेंज को अपोज करना चाहेगी। अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से पैदा हो रहा है तो वो उस बढ़ने को कम करना चाहेगी और अपोज करना चाहेगी, कम करने का मतलब। और अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने की वजह से पैदा हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने को अपोज करना चाहेगी, यानी उसे बढ़ाना चाहिए। तो आई होप मेरे दोस्तों आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया हो, मजा आया हो। बहुत सारी एक्टिंग नौटंकियां भी मुझे करनी पड़ी आपको लेंस लॉ समझाने के लिए। अगला लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं उसके लिए उसमें आपको एग्जैक्टली बताऊंगा किस तरीके से लेंस लॉ के क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। आज समझ तो आ गया हमें लेंस लॉ, लेकिन अभी बहुत सारे तरह के सवाल हमारे पास बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे उनको सोचने के लिए कि वन मार्कर है, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड अंदर मैं सोचकर उसका जवाब दे सकूं, वो सब हम करेंगे। हम फैराडेज लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, हम लेंस लॉ पे एक और चीज करेंगे कि लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो किस तरीके से है वो सब समझेंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपके फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल की तरफ से, बाय बाय। अगर आपको मजा आ रहा है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाई करने में, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल दबा दीजिए, घंटा बजा दीजिए, अच्छा सा थोड़ी भक्ति भी कर लीजिए, एंड शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। लव यू ऑल, बाय बाय।